हाय एवरीवन, आज था दशहरा और 9 दिन के फास्ट के बाद आज मन हुआ कि पाव भाजी खाना चाहिए और मैं हूँ मुंबई में और पाव भाजी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है। यहाँ की भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो भैया ने एकदम तवे पे इस तरह से डाली भाजी और उसके ऊपर इनके सारे सीक्रेट मसाले इसमें डाल दिए। ये इन्होंने गार्लिक वाली कोई चटनी डाली थी जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। देन इसमें हरा धनिया, रेड चिली और एक दो मसाले भी ऐड किए और ढेर सारा इसमें बटर डाला। उसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ये। और इस तरह से ये घोट रहे थे बहुत देर तक, इन्होंने तवे पे इस भाजी को पकाया इस तरह से और उसके बाद ये 5 से 10 मिनट में रेडी हो गई फटाफट से और इसको फिर इस तरह से प्लेटिंग किया। तो चलिए देखते हैं ये प्लेटिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह से प्लेट पे ये सारी भाजी निकाल ली और अब देखो तवे पे ये ढेर सारा इन्होंने बटर डाला और बहुत अच्छे से पाव को इन बटर में अच्छे से सेक लिया। मुंबई में बहुत सारा बटर यूज़ करते हैं पाव को सेकने के लिए और अगर आपको चीज़ डाल के खाना है तो आप ऊपर से चीज़ डलवा सकते हैं या ढेर सारा बटर डलवा सकते हैं। और ये हमारी बहुत ही डिलीशियस पाव भाजी रेडी हो गई है। रस्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और बहुत ही मज़ा आया इसको खाने में, मैंने बहुत टाइम बाद खाई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।